राजधानी लखनऊ में चौथे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल राम नाईक भी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लखनऊ साइंस और एजुकेशन का हब है। medical devices and implants. Number three, our climate change mitigation mission has made enormous progress. We are on course to setting up 175 gigawatts of renewable energy capacity. A huge 100 gigawatts of this will be from solar power. Indian innovators have played a big role in incubating technology that allows direct current generated by solar devices to be used straight away. वहीं मुख्यमंत्री योगी ने महोत्सव में शिरकत करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। गौरवपूर्ण क्षण है जब पहली बार उत्तर प्रदेश की धरती पर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस संपूर्ण आयोजन के उद्घाटन के लिए उत्तर प्रदेश की इस धरती पर आज इस उद्घाटन समारोह के लिए यहाँ पर उपस्थित आदरणीय राष्ट्रपति जी का उत्तर प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश आदरणीय राष्ट्रपति जी की स्वयं की जन्मभूमि और उनके कर्म भूमि होने का सौभाग्य प्राप्त करता रहा है। पहले इस इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के उद्घाटन कार्यक्रम में आज उनका सानिध्य यहाँ पर हम सबको प्राप्त हो रहा है। इस दृश्य यह हम सबके लिए एक गौरवशाली क्षण है। बता दें कि IISF 2018 के अंतर्गत मेगा साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री एक्सपो का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जा रहा है। एक्सपो में 5 अक्टूबर से 4 दिवसीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार के सभी वैज्ञानिक संस्थान अपनी अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों को जनता के सामने प्रदर्शित करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।